नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहा है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था कृषि के प्रकार। पहला पार्ट से पहले हमने 25 प्रश्न देखे थे, साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम बाकी बचे हुए 25 प्रश्न जो है वो देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न 26 से। प्रश्न आपका है कि स्थानांतरण जो कृषि है उसका अन्य नाम जो है वो क्या है, बुश फैलो कृषि, काटना एवं जलाना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो स्थानांतरण कृषि को हम बुश फैलो कृषि के नाम से भी जानते हैं और काटना और जलाना भी जानते हैं, तो आपका सी वाला ऑप्शन उपर्युक्त दोनों जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थानांतरण कृषि पिछले वाले पार्ट में मैंने बताया था, एक पर्टिकुलर जगह पर खेती करके फिर वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार की कृषि में फसलों का आधिकारिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी और श्रम का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जीविका कृषि, गहन कृषि, विस्तृत कृषि या फिर रोपण कृषि, बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। किस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी और श्रम का उत्पादन प्रयोग जो है वो किया जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आपका गहन कृषि में जो है किया जाता है, बी वाला आपका ऑप्शन है, आपका बिल्कुल सही होगा। 28 नंबर प्रश्न है आपका कि विस्तृत आकार वाले जो खेत होते हैं उन पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि जो है उसको किस नाम से जानते हैं, गहन कृषि, गहन जीविका कृषि, विस्तृत कृषि या फिर बागानी कृषि। आपसे पूछा गया है कि जो बड़े बड़े आकार वाले खेत होते हैं, विस्तृत आकार वाले जो खेत होते हैं उन पर अगर आप यांत्रिक विधियों से कृषि कर रहे हैं तो उसे जो है वो इनमें से किस नाम से जाना जाता है। आंसर की बात करते हैं तो उसे विस्तृत कृषि के नाम से ही जानते हैं। विस्तृत आकार से विस्तृत कृषि नाम से आप जोड़कर याद रख सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जो सब्जियां हैं, फल फूल है, इनकी कृषि जिसके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग होता है वो क्या कहलाता है, मार्केट फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग या फिर हाइड्रोपोनिक्स, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर की बात करते हैं, आपका ट्रक फार्मिंग जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर प्रश्न कि पूर्व सोवियत संघ का स्टेपी, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती और पश्चिमी मैदानी भाग, कनाडा का प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र, ये सभी जो है किस प्रकार की कृषि के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, गहन जीविका कृषि, गहन कृषि, विस्तृत कृषि या फिर बागानी कृषि, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से किस प्रकार की कृषि में जो है ये आएगी। आंसर की बात करते हैं तो आपका विस्तृत कृषि में ये भी जो है वो आती है, आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 31 प्रश्न आपका है, ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम जो है वो क्या है, रेशम उत्पादन कृषि, अंगूरों उत्पादन कृषि, फल कृषि या फिर विपणन बागवानी, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कौन जो है इनमें से ट्रक फार्मिंग का जो है वो दूसरा जो है वो नाम है। आंसर की बात करते हैं तो विपणन जो बागवानी है इसी को ही ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपका है, गहन कृषि जो है उससे कौन संबंधित नहीं है, नीदरलैंड में सब्जी की कृषि या फिर कैलिफोर्निया में जो फल है उनकी कृषि या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में जो है वो धान की कृषि या फिर कनाडा में गेहूं की कृषि, तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा, गहन कृषि से कौन संबंधित जो है वो नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो कनाडा में जो गेहूं की कृषि है ये आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि गहन कृषि में जो है वो नहीं आती है, बाकी सभी जो है आपकी आती है। 33 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विशिष्ट कृषि में समाविष्ट जो है वो नहीं है, प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन, प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन, प्रति फार्म बड़ा भूभाग या फिर प्रति फार्म अधिक आय, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा तत्व विस्तृत कृषि में जो है वो नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो आपका प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है। 34 प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के मानसूनी जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व आपको देखने को मिलता है उनमें किस प्रकार की कृषि जो है वो की जाती है, गहन कृषि, विस्तृत कृषि, मिश्रित कृषि या फिर गहन जीविका कृषि। आंसर की बात करते हैं तो वहां पर गहन जीविका कृषि जो है वो की जाती है, एशिया महाद्वीप के जो मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र हैं। 35 नंबर प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर
रेशम के कीड़े हैं उनका जो पालन है उसे किस नाम से जाना जाता है? सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। ये जो प्रश्न है मैंने पिछले वाले पार्ट में पूछा भी था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका आंसर देंगे। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सेरीकल्चर जो है वो बिल्कुल सही होगा। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। 36 प्रश्न आपका है कि व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुद्री जीव के जो उत्पादन है उनकी क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? पिसिकल्चर, एपिकल्चर, सेरी की जगह मेरी कल्चर लिखा हुआ है और लास्ट में हार्टिकल्चर। तो बताइए इनमें से व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुद्री जीवों के उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसे किस नाम से जाना जाता है? आंसर की बात करते हैं तो मेरी कल्चर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 37 प्रश्न आपका है कि व्यापारिक स्तर पर जो जो मछली पालन की क्रिया होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन काफी जगह पूछा जाता है, विटीकल्चर से, मेरी कल्चर, सिल्वी कल्चर या फिर पिसी कल्चर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को जो है किस नाम से जानते हैं? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर पिसी कल्चर जो है आपका सही होगा। ऊपर जो प्रश्न आया था 35 वाला, इसको ध्यान रखिएगा। रेशम कीट पालन जब पूछा जाता है तो आपका एपी कल्चर नहीं होता है, सेरी कल्चर जो है वो होता है। और जो व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्री जीव जो है उनका उत्पादन मेरी कल्चर होता है, और व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जो मछली पालन की क्रिया है वो पिसी कल्चर होता है। इस टाइप से तीनों जोड़कर याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न आपका है कि वनों का जो संरक्षण है, संवर्धन है, उसकी अगर बात करें तो उससे संबंधित जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? बताइए वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? एपीकल्चर, सिल्वी कल्चर, हार्टिकल्चर या फिर ओलेरी कल्चर। आंसर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा सिल्वी कल्चर के नाम से जो है वो जाना जाता है। जितने भी क्वेश्चन आप पूछ देख रहे हैं इन सभी को आप देखेंगे रिपीट होते हुए, तो इन सभी को याद रखिएगा। 39 प्रश्न आपका है, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जो फूलों की कृषि है उसको जो है वो क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, एपी कल्चर या फिर वेजी कल्चर। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। फूलों की जो कृषि है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो इसे फ्लावर कहते हैं फूल को इंग्लिश में, तो फ्लावर से ही फ्लोरिकल्चर जो है आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो फ्लावर से फ्लोरिकल्चर याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन जो है उसे किस नाम से जानते हैं? एपी कल्चर, हार्टिकल्चर, मेरी कल्चर, सिल्वी कल्चर, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन जो है उन्हें किस नाम से जो है वो जानते हैं? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो हार्टिकल्चर के नाम से जो है इन्हें जानते हैं। फल आप जोड़ सकते हैं कि अपने हार्ट जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हार्ट से हार्टिकल्चर आप जोड़ सकते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी या फिर मौन पालन का कार्य जो है वो कहलाता है? विटीकल्चर, पिसिकल्चर, मेरिकल्चर, एपीकल्चर, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, आंसर की चलिए बात करते हैं तो आपका एपी कल्चर यहाँ पर सही होगा। मधुमक्खी पालन या मौन पालन भी कहते हैं, तो शहद उत्पादन के लिए व्यापारिक स्तर पर जो है मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। 42 प्रश्न है आपका कि जमीन पर फैलने वाली जो सब्जियां होती हैं उनकी व्यापारिक कृषि जो है उसे किस नाम से जानते हैं? वेजी कल्चर, ओलेरी कल्चर या फिर आर्बोरी कल्चर या फिर एपी कल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि जो है उसे किस नाम से जो है वो जानते हैं? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ओलेरी कल्चर जो है आपका बिल्कुल सही होगा। तो बारिश होती है, ओले गिरते हैं, कहाँ गिरते हैं, जमीन पर गिरते हैं। थोड़ा सा ऐसे जोड़कर आप जमीन से इसको ओलेरी कल्चर को जो है वो याद रख सकते हैं। 43 प्रश्न आपका, सेरी कल्चर जो है उसका संबंध किससे है? लार्क से है, रेशम कीट से है, मधुमक्खी से है या फिर मछली, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा भी था सेरीकल्चर,
उसी से मिलते जुलते ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं तो सेरी कल्चर का संबंध रेशम कीट जो है उससे होता है, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से सेरी कल्चर जो मेरी कल्चर जो है उसमें किसका उत्पादन किया जाता है ये आपको बताना है, वृक्ष और झाड़ियों का, फूलों का, समुद्री जीवों का या फिर मधुमक्खियों का। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन समुद्री जो जीव है ये आपका जो है बिल्कुल सही होगा। मेरी कल्चर ऊपर भी हमने एक प्रश्न देखा था, समुद्री जीव जो है का उत्पादन जो है वो किया जाता है। जो ऊपर क्वेश्चन आया था वो क्या था, वो था व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्री जीवों का उत्पादन। देखिए इसी प्रश्न को घुमाकर पूछा गया था, तब भी आपका आंसर मेरी कल्चर ही जो है वो था। और यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है जमी कि मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, तो समुद्री जीवों का किया जाता है, यानी कि पलट कर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 45 प्रश्न है, सुमेलित करना है एपी कल्चर, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, विटी कल्चर, इस टाइप से रेशम उत्पादन, शहद उत्पादन, अंगूर उत्पादन और मत्स्य उत्पादन। आपको बताना है कौन सा इनमें से इससे मैच होगा। तो सभी लगभग हमने देख ही लिए हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं एपी कल्चर की, तो ये आपका इससे संबंधित हो जाएगा शहद उत्पादन से, क्योंकि मधुमक्खी से रिलेटेड है तो वहीं से आपका शहद उत्पन्न होता है, तो शहद उत्पादन इस टाइप से हो जाएगा। सेरी कल्चर जो है ये आपका रेशम उत्पादन जो है पहले वाले से मैच होगा। पीसी कल्चर जो है ये आपका मत्स्य उत्पादन इससे मैच होगा। और बचा विटी कल्चर, ये आपका अंगूर उत्पादन। तो आंसर आपका बी वाला सही होगा, 2, 1, 4, 3, ये आपका यहाँ पर क्रम जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 46 कि सोपान कृषि जो है वो कहाँ की जाती है, ये भी पूछी जाती है। पहाड़ जो है उनके ढलानों पर की जाती है, शुष्क क्षेत्रों पर की जाती है, छतों पर की जाती है या पहाड़ों की चोटी पर की जाती है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सोपान कृषि जो है वो कहाँ की जाती है, तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, आपका पहाड़ जो होते हैं उनके ढलानों पर जो कृषि की जाती है उसे सोपान कृषि के नाम से जो है वो जानते हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 47 प्रश्न है आपका कि झूम कृषि कहाँ पर जो है वो की जाती है, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण पश्चिमी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत या उत्तरी भारत। आपको बताना है कि जो झूम कृषि है वो जो है वो कहाँ की जाती है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो उत्तरी पूर्वी भारत आपका सही होगा, झूम कृषि जो है यहाँ पर की जाती है। 48 प्रश्न आपका है, सुमेलित करना है आपको कि फ्लोरी कल्चर, सिल्वी कल्चर, मेरी कल्चर और हार्टी कल्चर, इस टाइप से चार नाम दे रखे हैं, इससे कौन संबंधित होगा ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। और नीचे ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं इस टाइप से एबीसीडी के फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरी कल्चर, मैंने बताया था फ्लावर से आप याद रख सकते हैं, और फूलों की कृषि जो है आपका ये मैच हो जाएगा सेकंड वाले से। फिर बात करते हैं सिल्वी कल्चर की, तो ये आपका वनों के संरक्षण और संवर्धन, अभी हमने ऊपर देखा था, ये पहले वाले से मैच हो जाएगा। 2, फिर 1, देखिए 2-1 किस में, बी में भी है सी में भी है, और आगे 4-3 करके आपका यही सही होगा। यानी जो मेरी कल्चर है हमने देखा था ना समुद्री जीवों का उत्पादन, तो ये आपका 4 आ रहा है, यानी कि बी वाला आपका आंसर यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लास्ट बचा है हार्टिकल्चर, ये फलों के उत्पादन से संबंधित है। मैंने ट्रिक बताई ना आपको कि फल जो है खाते हैं अच्छे अच्छे आप खाएं सेब, ये सारी चीज़ें आपके हार्ट को स्वस्थ रखता है, हार्टिकल्चर उससे जोड़कर याद रख सकते हैं, ये बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं सेकेंड लास्ट प्रश्न, स्टार्टिंग मैंने बताया था 50 प्रश्न तक हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे कि सघन जो खेती है उसका जो संबंध है वो जो है वो किससे है, श्रम जो है उसके सघन उपयोग से उपज, या फिर उर्वरक के सघन उपयोग जो है उससे उपज, या फिर मौजूदा जो भूमि है उसके सघन उपयोग से उपज बढ़ाना, या फिर आयातित जो निवेश है उनके बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी वाला, मौजूदा भूमि जो है उसके सघन उपयोग से जो उपज को बढ़ाया जाता है उसी को कहते हैं हम सघन खेती, तो यही आपका सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके अलावा वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी डेटा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य जो कृषि है उसका एक प्रकार जो है वो नहीं है, आपको बताना है। डेयरी कृषि, अनाज खेती, पशुपालन या गहन निर्वाह कृषि, ये चार ऑप्शन है।
बताना है आपको कौन सा सही होगा। एक वाणिज्य कृषि का कौन प्रकार नहीं है? आपका गहन निर्वाह कृषि जो है, डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जो कि हमने ऊपर देखा भी है, कितने लोगों ने ध्यान से यहाँ पर याद किया है इससे चेक हो जाएगा। तो व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है विटीकल्चर, बी ऑप्शन है सेरी कल्चर, सी ऑप्शन है एपी कल्चर और डी ऑप्शन है पिसी कल्चर। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।